चैप्टर एट नाउ लेसन इज कम्प्लीट वी विल डू एक्सरसाइज फ्रॉम दिस लेसन ए टिक राइट द करेक्ट आंसर इन चार जो फोर दे रखे हैं ऑप्शन उसमें से हमको वन पर टिक मार्क करना है फर्स्ट वन इज द विजर थॉट ग्लासेस कूड हेल्प हिम इन गाँव वाले ने क्या सोचा था रीडिंग राइटिंग सी बेटर सेविंग हीज आइज फ्रॉम द सन इसमें आंसर है रीडिंग उसने ग्लास से क्या करना चाहा था पढ़ना चाहा था रीडिंग नंबर टू ही वेंट टू आ डैश टू बाय द रीडिंग ग्लासेस अब आप पहले वाले पे ए टिक मार्क करना और सेकेंड वाले पे वह कहाँ गया था जाना चाहता था विलेज टाउन हॉस्पिटल और मार्केट टाउन बी पे राइट पार्क करो नंबर थ्री द विलेजर टाइट टू द ग्लासेस बट ही कुड नॉट रीड बिकॉज वह ग्लास को क्यों ट्राई करना चाहता था क्योंकि वो पढ़ क्यों नहीं सका था वो क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं था ए बी सी डी ए वाले में है ग्लासेज डिड नॉट सूट हिम ग्लासेज वर नॉट गुड ही कुड नॉट सी इट ही वॉज इलीटरेट उसको ग्लास सूट नहीं हुए थे उसको चश्मे से अच्छा नहीं दिखता था वह पढ़ नहीं सका या फिर वो इलिटरेट था अनपढ़ था राइट है आंसर इज डी ओके फर्स्ट में ए सेकेंड में बी और थर्ड वाले में डी इसको टिक मार्क करना है नाउ वी विल डू से यस और नो फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस या क्वेश्चन आंसर मैं आपको व्हाट्सअप करूंगी तब आपको कॉपी में देख के लिखना है अब आपको यस और नो पे राइट मार्क करना है द विलेजर वॉर इलिटरेट गांव वाला अनपढ़ था यस वन डे द विलेजर विजर वेन टू अनादर कंट्री वो दूसरे देश में गया था नहीं वह कहाँ गया था शहर में गया था आंसर इज नो द विलेजर टाइड ऑल द ग्लासेज वन बाय वन उसने एक एक करके सभी चश्मे लगाकर देखे थे कोशिश की थी ना बेटा दिस वन इज यस द शॉपकीपर लाव डेट द इलिटरेट विलेजर शॉपकीपर उस पर हंसी करी थी नो नेक्स्ट टर्न ओवर योर पेज पेज नंबर फिफ्टी द ब्लैंक्स नाउ वी विल डू फिल द ब्लैंक्स शी हैज़ आन इन हर स्टमक गिव हर आिल ये जो ऊपर जो वर्ड्स दिए हुए हैं इनको देख कर आपको फिल करना है फर्स्ट वन इज शी हैज पेन पी ए आई एन स्पेलिंग ऊपर भी दी हुई है मैंने यहाँ पर भी लिख दी है इन हर स्टमक गिव हर ए पिल उसके पेट में दर्द है उसे एक गोली दे दो दिप इज रेडी टू सेल एस ए आई एल द थीप इज इन नाउ इन द जेल चोर कहाँ रहता है चोर को कहाँ भेजते हैं जेल में दैन लेस एग्स मुर्गी अंडा देती है से दी इज वर्ड अलाउड ये शब्द जो है जोर से बोलो एस ए वाई अब ये फाइव इले द ब्ले डू इन योर कॉपी अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू नेक्स्ट वन इज ग्रामर्री इज इट यस इट इज नो इट इज नॉट इज इट अ कैट यस दिस इज अट यू नो ये देख लो बिल्ली का चित्र बन पिक बना हुआ है नो इटा ये इसका आंसर है इज इट अट क्या ये बिल्ली है स इट इज ए कैट हां यह एक बिल्ली है अंडरस्टैंड नाउ नीचे वाले करने कॉपी में इज इट ए बैग यस इट इज ए बैग ये देखो बेटा बैग है इज इट ए स्कूल ये स्कूल है यस इट इज इज इट ए बुक यस इट इज इट इज ए पेन ये पेन नहीं बेटा ये पेंसिल है इसलिए यहां लिखेंगे नो इट इज नॉट नहीं यह एक पेंसिल है टर्न ओवर योर पेज पेज नंबर फिफ्टी टू ये नीचे वाला है बेटा राइट द स्टोरी ऑफ द पुअर बॉय ये पुअर बॉय की हमको स्पेलिंग लिखनी है पेज नंबर फिफ्टी टू ये देखो बेटा राइट अ स्टोरी ऑफ द पुअर बुक इन फाइव लाइन आपको फाइव लाइन लिखनी है वन लाइन आपके पास लिखी हुई है वंस देर वॉज अ पुअर बॉय यहाँ पर एक गरीब लड़का है वन डे आडी ऑफर्ड हीम सम बुक टू रीड एक दिन एक औरत ने उस बच्चे को कुछ किताबें पढ़ने के लिए दी ही स्टार्टेड लविंग रीडिंग उस बच्चे को किताबों से प्यार था ही गोज टू कॉलेज एट द एज ऑफ एटीन नाइन वर्क्स वेरी हार्ड जब अट्ठारह साल का हुआ तो उसने बहुत मेहनत करी ही wants टू सर्व his कंट्री बाय बिकमिंग ऑन द इंस्पेक्टर वह देश की सुरक्षा के लिए रक्षा के लिए वह इंस्पेक्टर बनना चाहता था राइट इन योर कॉपी ओके ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड जो वर्क मैंने फिलिंदा डेस्क बुक में करवाए हैं कॉपी में भी करने हैं और क्वेश्चन आंसर मैं आपको सेंड कर दूंगी Okay.